हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेडिसिन इन्फॉर्मर में। आज हम बात करने वाले हैं एफेनिक प्लस के बारे में, इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है और इस्तेमाल करने की सही तरीका क्या है और इस्तेमाल किस बीमारी में दिया जाता है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। बुखार के घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस दवा के बारे में जान लीजिए कैसे काम करता है और किस बीमारी में दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं किस किस बीमारी में एफेनिक प्लस दिया जाता है। असिस्टी अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, मोच, जोरों में दर्द, मांस पेशियों में दर्द, बुखार, दर्द बदन, दर्द सिर दर्द में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इसका इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, आप बात करेंगे इसका कॉम्पोजिशन के बारे में, इसे क्या क्या कॉम्पोजिशन डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एसिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल इसमें डाला हुआ है। बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसका कंपनी के बारे में। बहुत ही अच्छा कंपनी है, रेनबक्सी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, बहुत ही अच्छा कंपनी है और बहुत ही पुराना कंपनी है और बहुत ही अच्छा दर्द निवारक टैबलेट है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसका प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्राइस देख सकते हैं 71 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। आप लोग पहले भी इसका नाम सुना होगा और पहले भी आप लोग इस्तेमाल किया होगा, क्या हो? तो फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट करता हूँ किस किस बीमारी में दिया जाता है। असिस्टी अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, मोच, जोरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, दर्द बदन, दर्द सिर दर्द, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका बुखार या जॉइंट पेन में दर्द या बदन दर्द या सिर दर्द या जोरों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होती है तो आप इसका दिन में 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बल जहर, हजमी, सीने में जलन, पेट दर्द, दस्त, मतली या उल्टी, दिमागी बुखार, चक्कर आना, सांस फूलना, सूजन, खुजली या जलन, सांस लेने में तकलीफ, लीवर की क्षति, भूख कम लगना, एनीमिया, एडिमा, कब्ज, पलिया, ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, आप बात करेंगे बुखार के घरेलू उपाय के बारे में, आप कैसे घरेलू नुकसान में बुखार कम कर सकते हैं। तुलसी बुखार को कम करने के लिए प्रभावी जड़ी बूटी है। यह बाजार में उपलब्ध कई तरह के एंटीबायोटिक दवाओं की तरह ही काम करता है या करती है। इसके गुण बुखार को तेजी से कम करने से असरदार है। एक नंबर पॉइंट, एक कप पानी में 20 तुलसी की पत्तियां और 1 चम्मच घी, घिसी हुई अदरक, 1 चम्मच घिसी हुई अदरक को उबाल ले। इसे तब तक उबाले जब तक यह घोल आधा न हो जाए। अब इसमें थोड़ा शहद मिलाकर 3 दिनों के लिए नियमित रूप से दिन में 2 या 3 बार पिए। अब बात करेंगे 2 नंबर पॉइंट के बारे में। 1 कप उबाले पानी में 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच तुलसी डालें। 5 मिनट बाद इसे छान कर पिए। जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक दिन में 2 या 3 बार इसका मिश्रण को पिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और इससे भी अच्छी अच्छी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।
जय हिंद, जय भारत।